मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज वर्कशॉप का डे वन है। अभी 8:50 पे मुझे पहुंचना था और अराउंड 9 हो रहा है। मैं थोड़ा सा लेट हूँ। हाँ, लेट होने के लिए डांट भी पड़ेगी, बिकॉज अपने खुद के काम में कौन लेट पहुंचता है। पर मैं लेट हूँ तो थोड़ी सी डांट पड़ेगी मुझे। और मैंने चाय का कप लिया है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो उठने में ही मैं काफ़ी लेट हो गई थी, फिर तैयार होने में भी लेट हो गई। सो अभी चलो चलते हैं, फिर मार्क्स लेंगे। और यहाँ पे मैं अभी जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे वर्कशॉप हो रही है, वहाँ पहुँच चुकी हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा आपको नींद में दिखाई दे रही होंगी क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर चल रहा था उसमें मैं थोड़ा नींद में थी। उसका रीज़न ये था कि जैसे मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है तो मैं उस टाइम पे थोड़ा स्लीपी फील कर रही थी। बट मैंने लेक्चर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से लगाए, और मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी मैं अपने वर्कशॉप के लेक्चर्स लगा के रूम पे आ चुकी हूँ। और जो दोनों लेक्चर थे, जैसे हर दिन दो दो लेक्चर हो रहे हैं, दोनों लेक्चर्स है ना बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और सेकंड वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सर ने बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन की थी और मतलब काफ़ी अच्छे वे में एक्सप्लेन किया था। और अभी मैं ना सुबह जल्दी उठने की वजह से थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ, तो सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, देन उसके बाद लंच के लिए जाऊँगी। अभी अराउंड 12 बज रहे हैं तो उसके बाद लंच के लिए जाऊँगी। और देखती हूँ आज लैब जाकर स्टडी करूँगी या रूम पर करूँगी। अभी रेस्ट करने के बाद आपको फिर से मिलती हूँ और बताती हूँ आगे का प्लान। अभी रेस्ट वगैरह करने के बाद मैं लंच के लिए जा रही हूँ। पहले लंच करूँगी, देन फिर देखती हूँ देखे लैब जाती हूँ या नहीं। सो चलो चलते हैं, लंच कर लेते हैं। सो अभी यहाँ पे मैं कैफेटेरिया आ चुकी हूँ। जैसे जनरली मैं कैफेटेरिया आती हूँ लंच के लिए और डोसा खाती हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने डोसा ऑर्डर किया था और अभी मैं डोसा खा रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको अगेन मिलती हूँ। सो हाय गाइस, अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैं उस टाइम पे लंच करके थोड़ी देर के लिए रूम पे जाके सो गई थी। और फिर उसके बाद उठ के थोड़ी देर पढ़ाई की। और अभी मैं थोड़ा घूमने के लिए आई हूँ। इधर जो मेन गेट की तरफ पार्क है वहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोग्राफी भी करेंगे, बिकॉज़ मेरा फ्रेंड है जो कल कैमरा चलाना सिखा रहा था वो भी आ रहा है, तो हम दोनों मिलके करेंगे। हाँ, थोड़ा लाइटिंग का इशू होगा, बट अभी थोड़ा सीख रहे हैं ना, उसके बाद लाइटिंग का भी ध्यान रखेंगे। और आज थोड़ा सा बिजी थे इसलिए भी मैं जल्दी नहीं आ पाई थी, बट इट्स ओके। अभी चलते हैं और घूमते हैं थोड़ा और थोड़ी फोटोग्राफी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। It should be viral. और यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए लाइटिंग काफ़ी प्रॉपर थी तो जो फ़ोटोज़ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। और फाइनली हमारी जो फोटोग्राफी है वो डन हो गई। उसके बाद हम लोग डिनर के लिए निकल गए। सो अभी मैं जो मेन गेट के पास गई थी और फोटोग्राफी वगैरह हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ से आने के बाद मैं रूम गई थी, बिकॉज़ थोड़ा पसीना आ रहा था तो मैंने सोचा हाथ मुँह धुल लेती हूँ। और अभी मैं हाथ मुँह धुल के खाना खाने के लिए जा रही हूँ, और खाना खाने के बाद मैं अगेन आपसे मिलती हूँ। और आज मैं डिनर करने के लिए कैफेटेरिया गई थी। बेसिकली आज मुझे कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था। मैंने एक पनीर पराठा ऑर्डर किया था और उसके अलावा एक गिलास दूध लिया था, बिकॉज़ इतना काफ़ी था आज के लिए। और यहाँ पे मैं आपको ये भीड़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि IIT कैंपस में भी बहुत सारे स्टूडेंट वापस आ चुके हैं तो काफ़ी रौनक लग गई है, और बहुत सारे न्यू इंटर्न भी आए हैं तो कैंपस है वो ऐसे भरा भरा लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बीच में कैंपस एकदम से खाली हो गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा सा। यहाँ पे अब आप किधर भी जाते हो घूमने के लिए तो आपको लोग दिखाई देते हैं, जैसा कि मैं आपको चारों तरफ थोड़ा कैंपस कवर करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हर जगह पे लोग थे तो अच्छा लग रहा था।
सो अभी मेरा डिनर हो गया है। आज मैंने डिनर है वो कैंटीन से किया था और डिनर में मैंने पनीर पराठा खाया था और उसके अलावा एक गिलास दूध लिया था। कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था मेरा। सो अभी मैं घूमने के लिए निकली हूँ और मैंने उस टाइम पे भी आपको दिखाया था कि अब है ना कैंपस में बहुत सारे लोग वापस आ गए हैं तो ऐसे कैंपस में रौनक हो गई है क्योंकि उस टाइम पे बीटेक वालों के एग्जाम जैसे ही कंप्लीट हुए तो वो अपनी इंटर्नशिप वगैरह के लिए या फिर कुछ बच्चे घर चले गए थे तो कैंपस एकदम खाली हो गया था। बट इंटर्नशिप वाले यहाँ पे भी आए हैं तो काफ़ी सारे बच्चे आए हैं अभी, उसकी वजह से कैंपस एकदम भर गया है और मतलब ऐसे अच्छा अच्छा लग रहा है। और मैं अभी थोड़ी देर वॉक करूँगी देन उसके बाद रूम जाऊँगी क्योंकि कल सुबह भी जल्दी उठना है, आपको पता है वर्कशॉप चल रही है। सो होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मिस आई टी एन। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।